दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक डेल 5010 के बारे में, जो बहुत ही स्लो बूट हो रहा है। और इस केस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले मैं इसमें पावर डाल के आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये लोगो किस तरह से स्टार्ट होता है और काफ़ी स्लो बूट हो रहा है। जैसे देखिए, अभी लोगो आया और लोगो को जाते वक्त देखिए आप कि ये देखिए किस तरह से ये ऑफ हो रहा है। इसको काफ़ी फास्ट खुलना चाहिए। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जेनरिक लैपटॉप में। नॉर्मल इस तरह की प्रॉब्लम आती है, IBM में भी आती है, डेल में भी आती है, तोशिबा में भी आती है, और बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन है इसका। ऐसा नहीं है कि कुछ वास्ट सॉल्यूशन है। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन अभी आपको देने वाला हूँ। यहाँ तक देखिए, इतनी देर में आपका विंडो जो है आधा प्रोसेस में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है प्रोसेसिंग। तो पहले मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि एक एक करके सारे सामान को मैं निकालूंगा और चेक करूंगा। जैसे पहले मैं हार्ड ड्राइव निकालूंगा, कीबोर्ड निकालूंगा, एक एक पार्ट्स करके निकाल के देखूंगा कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है और लेट होने का क्या रीज़न हो सकता है। जैसा एक नॉर्मल पॉइंट होता है कि कहीं पर हो सकता है कि डेटा शॉर्ट हो रही है या वोल्टेज शॉर्ट हो रही है, तो 3-5 में शॉर्टिंग तो नहीं है। फिर से पावर लगा के देखते हैं एक बार। पावर लगा दिया हमने, आप देखिए इसमें शायद कुछ ठीक हो गया हो। शायद ये अभी भी देखिए, ये स्लो प्रोसेसिंग है, यानी हार्ड ड्राइव और कीबोर्ड बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इसलिए चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई डेटा या क्लॉक शॉर्ट तो नहीं हुई है। ऐसा केस होता है कि डेटा और क्लॉक शॉर्ट होने की वजह से, या वोल्टेज, कोई आउटपुट की वोल्टेज शॉर्ट होने से, यानी जो कोई ऑक्सिलरी कंपोनेंट है उसकी आउटपुट अगर शॉर्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टिंग की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड ऑन नहीं होगा, ऐसा होता है। तो अभी मैं इसके डॉटर कार्ड को मैं अलग से चेक कर रहा हूँ। मैं इसमें जो पी चैनल लगा हुआ है, सेकंड पी चैनल मॉसफेट, इसके ड्रेन पर सप्लाई डालूंगा और ये ऑन हो गया है। और अब देखते हैं कि ये ठीक, ये देखिए एकदम फाइन चल रहा है, ये एकदम ठीक ठाक चल रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कार्ड में कहीं पर शॉर्टिंग है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं क्या कार्ड में शॉर्ट हुआ है। तो पहले वाईफाई खोल के देख लेते हैं, वाईफाई कार्ड में भी शॉर्टिंग हो सकती है। ये आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि जब भी इस तरह की केस आए तो आप पार्ट पार्ट करके चेक कर लीजिए। अगर मदरबोर्ड में रहे तो फिर आप उसमें चेक करिए कि उसमें वोल्टेज शॉर्ट हुई है या डेटा शॉर्ट हुई है। अभी भी देखिए स्लो है, यानी कार्ड हमारा सही है। तो अब चेक करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर सप्लाई हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक USB IC है, देखेंगे कि ये USB IC सही है या नहीं है। तो इसके हम सबसे पहले इनपुट पर चेक करेंगे कि इनपुट पर इसके वोल्टेज आ रही है कि नहीं, साथ साथ इसके आउटपुट पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है कि इनपुट पर तो वोल्टेज आ रही है, लेकिन आउटपुट पर नहीं आ रही है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए USB IC के इनपुट पर, यानी 1, 2, 2, 3 नंबर जो है इसके इनपुट होती है, और एक अनेबल की पिन होगी जो कि आप देखिए इनपुट पर वोल्टेज आ रही है, और आउटपुट पर भी बनना चाहिए जो कि 5, 6, 7, 5, 6 नंबर जो आउटपुट होती है इस पर वोल्टेज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। अब देखिए, ऐसे केस में अगर आपके अनेबल की पिन नहीं आ रही है, अनेबल की सिग्नल नहीं आ रही, तो IO की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस IC को मैं निकाल लूँगा, और इस IC को निकाल के यहाँ पर मैं एक जम्पर लगाऊंगा। तो अगर USB आपकी नहीं चलने की प्रॉब्लम आती है या USB ख़राब हो जाता है, तो ऐसे केस में आप सबसे बेहतर ऑप्शन है कि USB IC को मत ढूंढिए, उस IC को मत लगाइए। आप उसके 2 नंबर या 3 नंबर पिन से 5 नंबर और 6 नंबर पर जम्पर जोड़ दीजिए,
यानी किसी भी पिन पर, या तो 2 नंबर पिन से उठा के 5 नंबर पर जोड़ दीजिए, या 3 नंबर उठा उठा करके 6 नंबर पर जोड़ दीजिए, तो ये आपका यूएसबी आईसी चल जाएगा। ये 5 वोल्ट की सप्लाई होती है यूएसबी के लिए। अब इसको हम ऑन करते हैं। नहीं, अभी हमने जम्पर नहीं मारा है यहाँ पर, अभी हमने सिर्फ यूएसबी की आईसी सिर्फ निकाली है, और अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, और ये कम्प्लीटली ठीक तरह से बूट हो गया है। इसका मतलब ये है कि यूएसबी की सप्लाई कहीं पर से शॉर्ट हुई है। तो अब पहले एक बार मैं शॉर्टिंग अभी आपको नहीं चेक कराऊंगा, मैं पहले देखूंगा कि, क्योंकि आप इसमें एक सॉल्यूशन ठीक से सीख लेंगे कि अगर यूएसबी नहीं चल रहा है तो यूएसबी आईसी पर आप जम्पर मार सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कि जम्पर कैसे मारते हैं यूएसबी आईसी पर। तो याद रखेंगे, 2 या 3 नंबर पिन से 5 या 6 नंबर पर आप कहीं पर भी जम्पर डाल सकते हैं। और इसमें ध्यान रहे कि बीच का ट्रैक जो होते हैं यूएसबी आईसी के अंदर के, वो ग्राउंड होते हैं, तो इसलिए जो ऐसी वायर यूज़ करिए कि बीच का पिन टच नहीं हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 नंबर पिन से या 3 नंबर पिन से 5 या 6 पर मैं जम्पर मार रहा हूँ, ताकि मुझे, अगर ये डॉट है कि यूएसबी आईसी खराब हो गई है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि जम्पर मार दीजिए, जम्पर की जुगाड़ कर लीजिए। तो जम्पर यहाँ पर लगा दिया मैंने, अब इसको मैं काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं पावर डालूँगा, उसके बाद फिर से चेक करेंगे वही प्रोसीजर कि देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। थोड़ा सा साफ कर लीजिए इसको। अब एक बार पावर डालते हैं इसमें, और पावर डाल के देखते हैं। ये देखिए, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ से ऑन करते हैं, ये ऑन नहीं हुआ। एक बार कार्ड को निकाल के लगा के फिर से देख लेते हैं, शायद कार्ड ठीक से लगा नहीं हो। तो कार्ड तो हमें ठीक से लग रहा है कि लग गया है, और आईसी भी, जम्पर भी सही तरीके से लगी है, ऑन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आउटपुट में कहीं पर शॉर्टिंग है। मतलब सीधा सा मतलब है, कोई चीज़ अगर शॉर्ट है तो डायरेक्ट मारने पर वो रिवर्स आ जाएगी। तो अगर ऐसा केस आपके पास हो तो आप सबसे पहले शॉर्टिंग चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर शॉर्टिंग की केस में आप शॉर्टिंग नहीं चेक करेंगे तो वो रिवर्स में कुछ और भी खराब कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, 0 ओम आ रही थी आउटपुट पर, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट में शॉर्ट है कहीं पर। तो आपको सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, निकाल करके देखना है कि कहीं पर फिजिकल कुछ डैमेज तो नहीं हो गया है। थोड़ा सा इसको खींच के निकाल लेते हैं। अब फिजिकल देख लेते हैं, कहीं कुछ शॉर्ट तो नहीं है। फिजिकल तो ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। एक बार बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में इसलिए लगा रहे हैं कि हमें पिन पॉइंट पर देखना है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है, क्योंकि अभी डायग्राम मैंने नहीं खोला है। मैं सिर्फ यूएसबी के आउटपुट से देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल बीप कहाँ पर आ रही है, और क्या चीज़, कौन सा पॉइंट है जो शॉर्ट हो रहा है। मैं अभी शॉर्टिंग का भी प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने वोल्टेज को, अपने पावर सप्लाई के वोल्टेज को मिनिमम कर दीजिए और एम्पेयर को मैक्सिमम कर दीजिए, और थोड़ा सा वोल्टेज दीजिए, हल्का सा, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट। देखिए, आउटपुट पर बीप आ रही है, 0 आ रही है। तो थोड़ा सा पावर डालेंगे यहाँ पर, जो कंपोनेंट खराब होगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। और हीट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप थर्मल इमेज व्यूअर कैमरा भी ले सकते हैं। हम लोग जनरली हाथ से ही चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट पर आप लगा दीजिए, जम्पर जोड़ के भी लगा सकते हैं या ट्वीज़र से भी लगा सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ट्वीज़र लगा दीजिए। और आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पर लोड उठाने लगा है, कुछ ज़्यादा लोड उठा लिया है, और हाथ से टेस्ट करके चेक करना है कि कहाँ पर गर्म हो रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट होगा वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंट मुझे गर्म लग रहा है यूएसबी के पास,
और यूएसबी के पास कुछ है तो नहीं, लेकिन यहीं पर कुछ गरम गरम लग रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हाथ भी जल सकता है अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो। इसके लिए बेहतर है कि आप थर्मल इमेज व्यू कैमरा ले सकते हैं और हाथ से भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जलता भी है। यहाँ पर हीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग है, जरा देख लेते हैं फिजिकल भी और मल्टीमीटर से भी देखेंगे कि क्या कौन सा पॉइंट है। जैसा आप जानते हैं यहाँ पर एक वोल्टेज, एक नेगेटिव डेटा और एक पॉजिटिव डेटा। ये देखिए यहाँ पर ये बीप आने लगी, ठीक है, 3 पॉइंट पर बीप आ रही है, यानी एक 5 वोल्ट भी शॉर्ट है, 3 वोल्ट भी शॉर्ट है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, दोनों डेटा शॉर्ट पड़ी है। यानी इंटरनली यूएसबी आईसी कहीं से शॉर्ट हो गई है और पिन बाहर से दिखा नहीं है कि शॉर्टिंग कहीं पर से लग रही है। तो इंटरनली कहीं पर से पिन इसकी टच हो गई है ग्राउंड से, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको निकाल के चेंज करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ मैं इसको निकाल के देखता हूँ कि शॉर्टिंग हट गई कि नहीं हट गई। तो यहाँ पर आपने, अगर आपको पता है कि शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसका मैं एक दूसरा सही जो प्रोसेस है कि शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं उसको मैं अच्छे से ब्रीफ करके आपको बता दूंगा कि शॉर्टिंग किसी बोर्ड में किस तरह से निकालते हैं। बहुत ही नॉर्मल है, वैसे आप एम्पेयर को हाई रखिए और थोड़ा सा वोल्टेज दीजिए, 2 या 3 वोल्ट दीजिए, तो वो आपको बता देगा कि क्या पॉइंट शॉर्ट है। लेकिन बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी इम्पीडेंस आती है। अब प्रोसेसर के पास अगर ज़्यादा करंट दे देंगे या ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, जो एसओसी का बोर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग हट गई है, जो इंटरनली ये कहीं पर से शॉर्ट है, बाहर से तो नहीं दिख रहा है, कहीं पर से दिख नहीं रहा है कि शॉर्टिंग है, लेकिन ये शॉर्ट है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर से पहले जो बीप आ रही थी, एक ग्राउंड है, बाकी ये डेटा पॉजिटिव, डेटा नेगेटिव और 5 वोल्ट की सप्लाई है। यही आईसी जो थी ये 5 वोल्ट की सप्लाई थी। अब देखते हैं पावर डाल के, पहले जंपर मार देते हैं कि जंपर मारने के बाद ये ऑन ही नहीं हो रहा था, ये रिवर्स शॉर्टिंग जा रहा था 3-5 की आईसी के पास, जिसके वजह से मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। अब इसमें एक बार जंपर फिर से मार करके हम चेक करेंगे कि वो सप्लाई जो है बनी कि नहीं, 5 वोल्ट की आउटपुट। हालांकि मुझे लगता है कि ये बोर्ड ठीक हो चुका है, क्योंकि आपकी आउटपुट की सप्लाई के ऊपर शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर शॉर्टिंग है तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा उसका। तो आइए अब पावर लगा के देखते हैं कि क्या पोजीशन है, वोल्टेज मिली कि नहीं और ऑन हुआ कि नहीं। पावर लगाते हैं इसमें, ये देखिए पावर लगा दिया, फैन घूम गया, और ये एम्पियर देखिए। अब वोल्टेज देख लेते हैं कि जो वोल्टेज नहीं बन रहा था वो हमें मिली है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट पर 5 वोल्ट मिल गया है, तो इनपुट पर भी 5 वोल्ट है, आउटपुट पर 5 वोल्ट है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि अब ये जो स्लो बूटिंग हो रहा था, स्लो ऑन ही हो रहा था, लोगो भी बहुत ही स्लो था, क्या वो दूर हुई कि नहीं, इसको आप चेक करेंगे। पहले बोर्ड में इसको थोड़ा सा फिट कर लेते हैं। तो इस तरह के काफी केस करने को मिलते होंगे आपको भी, और इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कि एक एक करके पहले सारे सामान को, समटाइम कीबोर्ड की वजह से भी देखा है मैंने स्लो चलते हुए, हार्ड ड्राइव की वजह से भी होती है, डेटा नेगेटिव पॉजिटिव अगर कहीं से भी शॉर्ट होगी तो ये हैंग करने की दिक्कत आती है। जनरली आईबीएम में सबसे ज़्यादा मैंने देखी है ये दिक्कत आती है। तो इसलिए सबसे पहले एक एक करके सारी पार्ट्स को आप चेक कर लीजिए, उसके बाद बोर्ड, अगर डॉटर कार्ड लगी हुई है तो डॉटर कार्ड को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद तब तो आप बोर्ड के ऊपर आइए चेक करने के लिए। अब इसको फिर से ऑन करते हैं, तो अब देखते हैं कि ये देखिए ये सही बूटिंग हो रहा है, स्पीड देखिए आप देख सकते हैं। पहले जो है पहले लोगो ही आ रहा था 2-3 मिनट में, तो अब
ये देखिए अब बुटिंग स्टार्ट हो गया है। तो आई होप गाइस ये केस स्टडी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।